हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सभी लोग? आशा करते हो सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और कई ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, आज बहुत ही ठंडा मौसम है। आज धूप नहीं है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। आप लोग बोल रहे होंगे कि ठंड बहुत ज़्यादा है और मतलब हाफ जैकेट पहनी हुई है। तो मैं अभी गई थी, जहाँ काम चल रहा है ना मकान का, वहाँ गई थी और मैंने फुल आस्तीन की स्वेटर पहनी थी, गर्म वाली। तो घर आके मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि देखना चाह रही थी मैं ये प्राप्ति के लिए। मैंने दो दो या तीन 2 साल पहले ले ली थी ये हाफ वाली जैकेट, और उसने एक भी बार नहीं पहनी। एक दो बार पहनी उसने थोड़ी देर के लिए, जब मैंने उससे बोला तो उसने बोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और 2 साल से ऐसे रखी हुई है, तीसरी सर्दी आ रही है, तब ले ली थी मैंने, और बिल्कुल नहीं पहनती। तो मैं अभी उसको पहनने के लिए दी, उसने नहीं पहनी। तो मैं देख रही थी मेरे पे आ रही या नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने अपनी स्वेटर निकाली और ये पहन ली। लेकिन मेरे पे ना टाइट हो रही है, इसकी सिलाई हट जाएगी। आ रही है लेकिन टाइट हो रही है। तो अभी मैं इसको निकाल के अपनी स्वेटर पहनूंगी, क्योंकि मेरे ना वैसे गर्म कुर्ती पहन रखी है लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है फिर भी ठंड लग रही है। तो मैं भी अपनी स्वेटर पहनूंगी, इसको मैं उसको ही दे दूंगी पहनने के लिए। बट देख रही थी मेरे पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो टाइम मैंने देखा नहीं, काफ़ी हो गया है, लगभग 12 बज गए होंगे। या देख के आती हूँ, टाइम को पता ही नहीं चलता भाई, कितना टाइम हो रहा है फिर गौरी? 12:03 है, मैं बोल रही अभी मॉर्निंग है, 12 बज गए का ये, जो टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं अभी आ रही हूँ और देखती हूँ खाना पीना बनाती हूँ। हस्बैंड जी नाइट ड्यूटी गए थे और अभी आए 11:30 बजे। तो कल मंडी गई थी मैं, मंडी से लेके आई थी 2-3 किलो अमरूद लेके आई थी, और अमरूद आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो 100 रुपये के मैं 3 किलो लेके आई थी। सोचा था कि कल दिन में ना धूप में बैठ के अमरूद खाऊंगी आराम से, लेकिन आज इतना ठंडा वाला मौसम है ना, तो मैंने अपने लिए अमरूद काट लिया। बच्चों ने तो खा लिए जब मैं नहीं थी घर में। अमरूद खाती हूँ, साथ ही साथ मैं खाना बनाने की तैयारी भी करती हूँ। और गाइज, फिर मैंने दिन में वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने साग बनाया था। हमारे यहाँ हमारे गांव में उसको कापली बोलते हैं, पालक का साग। और चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी। फिर इवनिंग टाइम में मैं इधर आ गई थी, दोपहर को तो हस्बैंड जी थे वहाँ, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे तराई करने के लिए। और काम उस टाइम चल रहा था, लेकिन मैं नीचे से ही पानी डालने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल भी ऊपर तक पानी नहीं जा रहा था। और इनको गुस्सा आ रहा था मेरे पे, बोल रहे इतना डर लगता है, कितना डर लगता है ऊंचाई से, इतना भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ऊपर आ जाओ, वहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है वो जो लकड़ी की बनाई रहती है ना काम वालों ने, तो उस सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर आओ, ऊपर आके आराम से तराई करो। फिर मैं नहीं आ रही थी, मैंने कहा मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फिर इनके कहने पर मैंने कहा इनको गुस्सा आ रहा है, फिर चल ही जाती हूँ, देख लेती हूँ कितना डर लगता है। तो मुश्किल से मैं ऊपर आई, और ऊपर आके मैं यहाँ पे तराई कर रही थी और पीहू फोन देख रही थी यहाँ पे बैठ के नीचे। तो मैंने कहा थोड़ा मेरी वीडियो बना ले, सच में मुझे बहुत डर लग रहा था, और ऊंचाई से मुझे ना इतना डर लगता है। तो पानी डाल लिया था, और फिर पानी डालने के बाद फिर इनका ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, 5:30 बजे शाम को इनको जाना था। फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने कहा जितना बच गया उतना मैं रात को फिर तराई कर लूँगी जब ये चले जाएंगे, मतलब 6 बजे के बाद। फिर नीचे आ गई थी मैं वहाँ से, और फिर आ गई थी घर इनका खाना वाना बनाने के लिए। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिन में बनाई थी, जब ये लोग काम कर रहे थे तो यहाँ पे कॉलम भरने के लिए फर्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बांध रहे हैं। और उस टाइम हस्बैंड जी भी यहीं पे थे, ये खड़े हो रखे ऊपर, इनके साथ हेल्प कर रहे हैं जो लेबर है। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, इनमें टाइम लगता है। और हम तो सोच रहे थे कि मतलब इसी महीने छत पड़ जाएगा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, इस महीने नहीं पड़ पाएगा, अगले साल ही पड़ेगा, महीने क्या साल भी अगले ही पड़ेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा बनाई थी मैं यहाँ पे वीडियो, क्योंकि पूरे दिन मैं वहीं रहती हूँ, फिर घर में आके ना ब्लॉग बन भी नहीं पाता है। तो गाइज, अभी थोड़ी देर पहले आई मैं, क्योंकि जब हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी 5:30 बजे ये गए, और इनके आज मैं खाना भी नहीं बना पाई जब तक मैं वहाँ से आई तराई करने के बाद। और मैंने आटा गूंद लिया था, सब्जी काट भी ली थी, मतलब सब्जी फ्राई करने लगी थी मैं,
पत्ता गोभी की सब्जी, फिर ये आ गई थी, उन्होंने कहा लेट हो गई अब मत बनाओ, तो आज बिना खाना लिए गए हो तो उधर ही देख लेंगे कुछ, क्योंकि लेट हो गई थी मुझे वहीं। तो मैंने सब्जी फ्राई करी रही थी, मैं तो सब्जी उसी टाइम बना ली थी, आटा तो गूंदा ही था। तो जब ये चले गए थे 5:30 बजे, तो उसके 5-10 मिनट बाद मैं भी चली गई थी, क्योंकि जो लेबर लगी हुई उनकी भी छुट्टी हो गई थी। और फिर उसने फ़ोन किया ठेकेदार ने कि हम लोग जा रहे हैं, आप अपना मतलब जो सीमेंट वगैरह है ना इसको ढक लो। और फिर मैं चली गई थी, मतलब बहुत सारा चीज़ें होती है जो देखनी पड़ती है ना लास्ट में, तो उसी टाइम मैं चली गई थी उधर। फिर उसके बाद तराई करनी थी, तराई की तो इतना टाइम लग गया ना, 7:30 मुझे हो गई थी तराई करने में। फिर आई मैं, अभी तो शायद 8 बज गए होंगे या 7:45, जितना भी हुआ होगा। पियू क्यों परेशान करती है? तो सब्जी बनी हुई है, दूध प्राप्ति आ गई थी ट्यूशन से, उसने गरम कर लिया, आटा गूंदा हुआ है, तो सोचा थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद अब मैं रोटी बनाऊँगी। सच में इतनी ठंड लगी रही है ना, बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल, घर का काम भी और फिर उधर भी देखना, पूरे दिन भर ना मेरी देखो हालत कैसे हो गई, जबकि काम कुछ नहीं करती मैं, खड़े रहना वहाँ पे, पर देख देख करना। लेकिन फिर ये हो जाता है ना, घर का काम भी बढ़ जाता है यार, मेरे ना होंठ भी फट रहे हैं और हाथ मेरे ना फट रहे हैं आजकल, मैं कुछ लगा भी नहीं रही अपने हाथों पे, मेरी ये उंगलियाँ जैसे सीमेंट वगैरह से ना फट रही है। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग की आज तो थोड़ा सा ही वीडियो बनी, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।